नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ट्रिकी मेथड बाय ब्रजेश कुमार। अगर जो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। चैनल का नाम है BKSK BPL। आप ये भी सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा चैनल का नाम BKSK BPL, या ट्रिकी मेथड बाय ब्रजेश कुमार भी आप सर्च कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो देख सकें। मैं आपकी करंट अफेयर्स की कुछ सीरीज लाने वाला हूं ताकि वो टाइम पर आप सीरीज़ देखें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो बजट की बहस करने की शक्ति विधान परिषद में किस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त हुई है? इस अधिनियम का नाम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में जो लाया गया था उसके तहत, जब अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे इंडिया में 1773 में, उस टाइम क्या हुआ था, अंग्रेजों ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो पूछ रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 1935 में हुई थी भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। पूछ रहा है कि कब किया गया था, तो भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था आपका 1937 में, 1937। इसको बोल रहा कि सही सुमेलित करना है क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उस टाइम आता है सही, इधर उधर लिखे रहते हैं, आपको सही मिलाना होता है कि किसका क्या है। तो इसमें मैंने आपको आंसर ही मिला के दे दिया है, मैंने इसको कर दिया है कि जो जिसका है उसी का। तो लिखा नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो इसका है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, इसका आंसर हो जाएगा नियामक अधिनियम 1773 के तहत। 1773 में देखिए आपको दो क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था और दूसरा नियामक अधिनियम। फिर है, इंग्लिश मिशन मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन सा एक्ट देता है, तो इसका एक्ट है चार्टर्ड एक्ट, जो नियामक अधिनियम के बाद आया था, चार्टर्ड अधिनियम 1813 में। ओके, ये आपको याद रखना, 1813 में चार्टर्ड अधिनियम आया था। ये बहुत सारे एग्जाम में लगभग लगभग पूछता ही है, बहुत बार पूछ चुका है, तो आपको ये याद रखना कि चार्टर्ड अधिनियम कब आया था, तो 1813 में आया था। अगला है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति मतलब किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो ये भी है चार्टर्ड अधिनियम। एक चार्टर्ड अधिनियम प्रथम था ये 1813 में आया था, ये चार्टर्ड अधिनियम द्वितीय दूसरी बार 1833 में आया था। फिर अगला है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनकी विशेषताएं बताना है। तो विशेषताएं इनकी आपको याद रख लेना है कि पहला हो गया, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था थी। क्या थी, कौन सी, द्वैत शासन की, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में, और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिका शक्ति का हस्तांतरण था। ओके, तो सुनाया क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, तो कब बनाई गई थी, 1919 में, 1919 में बनाई गई थी भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है, तो यह इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 से। अगला क्वेश्चन,
थोड़ी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप पॉज करके उसको वीडियो को रोक रोक के आप लिख सकते हैं या आप थोड़ी वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं स्लो मोशन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया है, तो कौन सी एक्ट के तहत? चार्टर्ड एक्ट, जैसा कि मैं बताया चार्टर्ड एक्ट द्वितीय आया था 1833 में, तो उस समय भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बताया गया था। जब अंग्रेजों द्वारा ये नींव रखी गई थी उनको ऐसा पता चला 1857 जो विद्रोह हुआ था होने वाला था, तो प्लासी का युद्ध लड़ा 1757 में, फिर इसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 में। तो ये प्लासी का युद्ध था 1757 में, तो अंग्रेजों द्वारा भारत में भारत के खिलाफ लड़ा गया पहला युद्ध था, मतलब अंग्रेजों द्वारा भारत में भारत के खिलाफ लड़ा गया पहला युद्ध कौन सा था? 1757 का प्लासी का युद्ध। ओके, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध पर मैं फिर से कोई वीडियो लाऊंगा, बहुत अच्छा एक इसकी मैं विशेषता बताऊंगा, इसका थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, आधे घंटे का रहेगा, तो उस टाइम आप इसको डिटेल में देखेंगे। तो उस नियम के बाद 1833 में चार्टर्ड एक्ट लाए थे, तो इसमें ऐसा बताया गया था कि भारत में जो भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जैसे IAS हैं सिविल सर्विसेज के, तो उनको संभव बनाया गया था। और थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ कि 1806 से लेकर 1854 तक सिविल सर्विसेज में IAS बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती थी और ना ही किसी भी प्रकार की परीक्षा होती थी, आप सीधे IAS एग्ज़ाम कलेक्टर बन सकते थे। और इनकी ट्रेनिंग लंदन के हैम्बरी कॉलेज में होती थी। ठीक है क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है, तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक के संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तो यह भी किया गया था क्या? भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1935 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो यह भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको याद रख लेना है, इनको भूलना नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है, तो उनने देश के लिए लिखित संविधान की स्थापना, मतलब भारतीयों ने जब मांग की 1935 में कि हमारा लिखित संविधान होना चाहिए, संविधान के अनुसार सभी काम काज होना चाहिए, वो तो अंग्रेजों का शासन था, तो इसलिए अंग्रेजों ने इस मतलब लिखित संविधान को स्वीकार नहीं किया था या स्थायी स्वीकार नहीं किया था, इसको नहीं अपनाया था। अगर जिस टाइम अपना लेते लिखित संविधान को तो हमारा देश हम उसी टाइम आज़ाद हो जाते, मतलब 1947 में नहीं 1935 में हम आज़ादी का जश्न मना रहे होते। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। गवर्नमेंट, ये आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है 1935 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बर्मा भारत से अलग कब हुआ था? तो ये इसी टाइम हुआ था जब ये 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था, तभी 1935 में अलग हो गया था।